गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, आपके जो बीएड सेकंड ईयर के द्वितीय वर्ष के जो पेपर चल रहे हैं उनको देखते हुए हमने ये वीडियो बनाई है। जो आपका पेपर आने वाला है, पेपर 8, जिसका नाम है जेंडर, विद्यालय एवं समाज, उसकी तैयारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है मेरे अनुभव के आधार पर कि ये प्रश्न आपके आ सकते हैं। आप स्वयं उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन मैं ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपको बताना चाह रही हूँ। मेरा कहना है या मेरा मानना है कि आप इन प्रश्न को अनिवार्य रूप से देखकर जाएं, हो सकता है ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो। तो हमारा आपका जो पेपर नंबर ये 8 है, जेंडर, विद्यालय एवं समाज, ये सभी को पता है कि ये हमारे पूर्णांक 35 नंबर का है। इसकी 2 यूनिटें हैं, उसके आधार पर मैं आपके प्रश्न बता रही हूँ। समय है हमारा 2 घंटे का। जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, भाग 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। आप ये प्रश्न को अपनी नोटबुक में लिखें और ये आप जब इसे पढ़े ढंग से, जिससे ये आपकी परीक्षा में आपके लिए लाभदायक रहे। प्रश्न नंबर 1 है हमारा लैंगिकता क्या है, लैंगिकता क्या है, या हम कहें लैंगिकता की परिभाषा दीजिए, लैंगिकता का क्या अर्थ है, लैंगिकता क्या है, लैंगिकता की परिभाषा दीजिए, परिभाषा दीजिए। प्रश्न नंबर 2 है आपके प्रश्न संख्या 2, पाठ्यक्रम आधारित लिंग असमानता को, लिंग असमानता को दूर कीजिए, दूर करने के सुझाव दीजिए। सेकंड प्रश्न है, पाठ्यक्रम आधारित लिंग असमानता को दूर करने के सुझाव दीजिए। प्रश्न नंबर 3 है पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं, या हम कहें पितृसत्तात्मकता क्या होती है, उसकी परिभाषा दीजिए, उससे आप क्या समझते हैं। फोर्थ प्रश्न है हमारा लैंगिक पक्षपात की 4 पहचान बताइए, 4 पहचान बताइए। प्रश्न 5 है आपका जेंडर निष्पक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 6 है आपके नारी
सशक्ति करण पर, नारी सशक्तिकरण पर संक्षिप्त निबंध लिखिए, शॉर्ट रूप में संक्षिप्त निबंध लिखिए। नारी सशक्तिकरण पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर सात है जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है सामाजिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये आपके 1 प्रश्न है, 8 प्रश्न पहले आप लिखेंगे। पहला प्रश्न है लैंगिकता क्या है, लैंगिकता की परिभाषा दीजिए। सेकंड है हमारा पाठ्यक्रम आधारित लिंग असमानता को दूर करने के सुझाव दीजिए। थर्ड प्रश्न है हमारा पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं। फोर्थ प्रश्न है हमारा लैंगिक पक्षपात की 4 पहचान बताइए। पांचवा प्रश्न है हमारा जेंडर निष्पक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सिक्स प्रश्न है हमारा नारी सशक्तिकरण पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 7 है जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। 8 प्रश्न है हमारा सामाजिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये आपके 8 प्रश्न है। अब मैं आगे 9वां और 10वां प्रश्न अब लिखूंगी। 9 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, 9 नंबर का प्रश्न है हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह व लैंगिक रूढ़िवादिता में क्या अंतर है। लैंगिक रूढ़िवादिता में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 9 लैंगिक पूर्वाग्रह एवं लैंगिक रूढ़िवादिता में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 10 है महिलाओं के लिए कानूनी और न्यायिक परिवर्तन प्रावधान क्यों किए गए हैं। ये 10 प्रश्न आपके भाग ए में मैंने किए हैं कि इनमें से 10 प्रश्न में से हो सकता है आपके 5 प्रश्न आए, 6 प्रश्न आए। ये आपकी सहायता के लिए
हमने ये प्रारूप तैयार किया है मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में कि बच्चों को इससे सहायता मिल सके। आगे मैं आपको सेक्शन बी में से जो आपके लोग प्रश्न आते हैं उनमें से मैं आपको प्रश्न लिखवाने जा रही हूँ। जो हमारा पार्ट बी होता है इसमें निबंधात्मक प्रश्न के रूप में कि हमारे जो चार निबंधात्मक प्रश्न आते हैं उनमें से हम कौन कौन से प्रश्न हम कर सकते हैं। इसमें हमारे इस पेपर में सभी प्रश्न हमें करने अनिवार्य होते हैं। जो प्रथम है हमारे 10 प्रश्न वो हम करेंगे। इसमें हमारे जो पार्ट बी है उसमें हमारे अथवा में हमारे प्रश्न आते हैं उनमें से आपको प्रश्न दोनों में से आपको एक प्रश्न करने होते हैं। जो हमारा भाग बी है इसमें हमारा प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 लिंग रूढ़िवादिता के अर्थ एवं कारणों को समझाइए तथा इसकी समाप्ति के उपायों का वर्णन कीजिए। प्रश्न हमारा लिंग रूढ़िवादिता के अर्थ एवं कारणों को समझाइए तथा इसकी समाप्ति के उपायों का वर्णन कीजिए। इसके ऑप्शन में मैं आपको दूसरा प्रश्न बता रही हूँ। नारीवाद पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इसमें हमें लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इसमें हम ये भी दे सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के बारे में विस्तार से समझाइए, नारीवाद पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए, या महिलाओं के लिए कौन कौन से हमारे कार्य किए गए हैं आज इस समाज में, उन सबका हमें इसमें वर्णन करना होगा। प्रश्न नंबर जो हमारा 12 है, प्रश्न नंबर भाग दो में ही है हमारा प्रश्न संख्या जो है हमारी 12। राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में हम देखेंगे बालिका शिक्षा का अर्थ महत्व एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए। समस्याओं का वर्णन
कीजिए। ये हमारा प्रश्न नंबर 12 के 18वां प्रश्न है। इसमें ऊपर था हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्णन कीजिए, 18वां में मैंने दिया है बालिका शिक्षा का अर्थ, महत्व, अर्थ, महत्व एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13, क्योंकि कुछ प्रश्न हमारे जो लास्ट वाला प्रश्न होता है या इनमें से जो हमारे 9 प्रश्न आते हैं, इनमें से एक प्रश्न हमारा ऐसा आता है जो हमें उसके ऊपर टिप्पणियां लिखनी होती हैं, हमें किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखनी होती हैं, जो हमारे 4 या 5 टिप्पणियां दी हुई होती हैं, उनमें से हमें किसी 2 के बारे में, उनके बारे में हमें बताना होता है। जो हम आंसर लिखते हैं वो 2 लिखते हैं, हम 2 के ऊपर हमें टिप्पणी लिखनी होती है। प्रश्न नंबर हमारा प्रश्न संख्या 13, जाति प्रथा, जाति प्रथा, प्रथा का अर्थ एवं परिभाषा, परिभाषा लिखिए तथा तथा जाति प्रथा की, जाति प्रथा की विशेषताओं का, विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब इस प्रश्न में हम टिप्पणियां लिखेंगे लास्ट में कि किन्हीं 2 पर हमें टिप्पणियां लिखनी होंगी। फर्स्ट है हमारा किन्हीं 2 पर, 2 पर टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है शिक्षा की, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय नीति 1992, इसके बारे में हमें टिप्पणी लिखनी होगी। सेकंड है हमारा अनौपचारिक संस्थाओं में, अनौपचारिक, अनौपचारिक संस्थाओं में यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न इस पर लिखनी है। अब हमारी जो थर्ड है इसमें लैंगिक, लैंगिक समानता, समानता के निर्धारक, निर्धारक कारक। फोर्थ है हमारी ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर की चिंता एवं मुद्दे, ट्रांसजेंडर के संबंधित मुद्दे। पांचवा है विद्यालयों में, विद्यालयों में लैंगिक,
लैंगिक असमानता। ये आपके प्रश्न थे बच्चों। एक बार मैं वापस से इन प्रश्नों का आपको रिवीजन करवाती हूँ कि जो हमारा भाग एक था उसमें प्रथम प्रश्न था हमारा लैंगिकता क्या है, लैंगिकता की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर दो था पाठ्यक्रम आधारित लिंग असमानता को दूर करने का सुझाव दीजिए। प्रश्न नंबर तीन था हमारा पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या चार लैंगिक पक्षपात की कोई चार पहचान बताइए। प्रश्न नंबर पांच था हमारा जेंडर निष्पक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर छह था नारी सशक्तिकरण पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर सात था जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न आठ था हमारा सामाजिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नौ है हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह एवं लैंगिक रूढ़िवादिता में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर दस है महिलाओं के लिए कानूनी और न्यायिक प्रावधान क्यों किए गए हैं। और सेक्शन बी में थे हमारे प्रश्न नंबर ग्यारह लिंग रूढ़िवादिता के अर्थ एवं कारणों को समझाइए तथा इसकी समाप्ति के उपायों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में भी मैंने आपको प्रश्न लिखवाया था कि नारीवाद पर विस्तृत रूप से बताइए और विस्तार से टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 12 था हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में था बालिका शिक्षा का अर्थ महत्व एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न 13 था हमारा जाति प्रथा का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए तथा जाति प्रथा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और इसमें मैंने साथ में टिप्पणियां लिखी थी पांच, कि इनमें से आपको दो टिप्पणियां आपको करनी थी। पहली थी हमारा शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1992 पर, सेकंड था अनौपचारिक संस्थाओं में यौन उत्पीड़न पर, थर्ड है लैंगिक समानता के निर्धारक कारक के ऊपर, फोर्थ था हमारा राजेंद्र की चिंता एवं मुद्दे, पांचवा था हमारा विद्यालयों में लैंगिक असमानता। ये आपके कुछ मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपका मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि इनमें से आपको जितनी हो सके आपको सहायता मिलेगी। धन्यवाद। कर दूँ इसको मैं।